गाड़ी नशीली दवाएं पिलाकर लूटने वाले युवक विनय को 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को रेलवे पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी विनय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे थाना प्रभारी बलकार सिंह ने बीती 13 फरवरी को हिमाचल क्वीन गाड़ी में नशीली दवा पिलाकर 2 विदेशियों से लूट की नाकाम घटना को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी। वहीं थाना प्रभारी ने 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी द्वारा अन्य कई लूट की वारदातों को अंजाम देने की बात भी कही। हमारे टीम के बनाए गए प्लान के मुताबिक ही जो है ना, वो हमें पता था कि आज ये स्पेशल ट्रेन लगाई गई है, कोई ना कोई जो है ना जरूर आएगा। तो हमारी एक ज्वाइंट टीम जो हमारी टीम में पुलिस GRP RPF शिमला पुलिस वगैरह की हमने बनाई हुई थी, तो सारे हमारे आदमी उसमें मौजूद थे। उनको हमने पकड़ लिया, 17,000 रुपये जिसको पकड़ा था, तो 23 तारीख को हमने पेश करके उसका जो है पुलिस रिमांड में किया थी। तो आज हम अपनी कार्रवाई पूरी मुकम्मल करके 30 जनों में ला के इसको आज पेश दर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद गौरतलब है कि 13 फरवरी को हिमालय क्वीन ट्रेन में शिमला से कालका आ रहे 2 विदेशी यात्रियों को कालका स्टेशन पर गाड़ी में बेहोशी की हालत में पाया गया था। होश में आने के बाद इन यात्रियों ने नशीली दवा पिलाए जाने पर बेहोश किए जाने की जानकारी दी थी। इन्हीं विदेशियों की शिकायत पर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त आरोपी विनय को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।